आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 की क्या है त्रिकोणमिति है। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनी है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप या भुजा। त्रिकोणमिति में ऐसे तीन कोण वाली और तीन भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती है, त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है क्या, त्रिभुज। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये कोण जो होता है 90 डिग्री हो सकता है, ये क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ये 45-45 डिग्री हो सकता है और ये भी 45-45 डिग्री हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल में जो एक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये फिक्स है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण है ये कितने का है, 45 डिग्री, और ये भी कितने का है। अगर हम नाम मानते ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, कर्ण होगी। कौन सी होगी, कर्ण। अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बात आती है किसकी, लंब और आधार की। किसकी बात आती है, तो लंब और आधार में देखिए, ये अगर मान लो ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में ये तो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये P, ये Q और ये R, ध्यान से देखिए, आप इसको जो मन करता है, ये कोण दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, आप कह सकते हैं को एंगल P बराबर एंगल R। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, ये थीटा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एंगल P प्लस में एंगल R प्लस में ये 90 डिग्री, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप बताओ, एंगल अगर P माने हम, मान लो यहाँ पर थीटा मान रखा है, क्या मान रखा है, और R का मान, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, थीटा प्लस में 90 इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 माइनस 90, 180 में से 90 के कितने बचेंगे, 90। ये एक थीटा और एक थीटा कितने हो गए, आप थीटा दो से काट दो, इसको कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 45 डिग्री और ये क्या है, 45 डिग्री। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे किसकी, देखो लंब की। अब लंब की बात कैसे करेंगे, देखना ध्यान से, लंब की। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और कर्ण की अगर बात इंग्लिश में चले तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखिए, लंब, आपने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर इसकी एक भुजा कितनी है, 90 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब एक कोण इसका 90 डिग्री है। तो अगर आप ये थीटा मानते हो
भाई थीटा तो ये है ये भी है, लेकिन हम दो कंडीशन दे रहे हैं। कितनी कंडीशन हमारे पास? अगर थीटा ये है पी क्यू और आर, अगर मान लो आर थीटा है, जब क्या हो आर थीटा हो, क्या हो आर थीटा हो, तो क्या होगा? तो बताओ लंब क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा? लंब, लंब क्या है इसमें? पी क्यू। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। अब देखिए बात चलेगी किसकी? आधार की। अगर मान लो ये लंब हो गया और ये कर्ण हुआ, तो आधार बाकी भुजा क्या बचेगी? आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? आधार है। क्या है? तो हम कहेंगे कि बाकी जो तीसरी भुजा है, बाकी तीसरी भुजा क्या कहलाती है? भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, आप फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार यहाँ ध्यान से देखें। अगर मान लो ऐसा कुछ चित्र बना हुआ है इस तरीके से, तो आप बताएं ये क्या है इसमें? 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा? कर्ण, यही होगी ना? कर्ण ही होगी। और अब की बार मैंने थीटा ये मान रखा है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा देखना, मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू और आर। तो देखना पी क्यू और आर में आप इसको पी एम आर भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम मान सकते हैं इस त्रिभुज का। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? ये है। तो अब इसमें लंब क्या होगा? लंब होगा इसमें पी आर। और कर्ण क्या होगा इसमें? कर्ण होगा एम आर। और बाकी तीसरी भुजा ये क्या होगी? इसमें आधार क्या होगा? आधार होगा पी और एम। तो आपको समझ में आ गया होगा ये? आप फिर से देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें इस चित्र में देखते हैं अब की बार। आप नाम मान सकते हैं आर एस और टी। आप देखिए सबसे पहले अगर ये थीटा माना मैंने और ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? एक बात हमेशा याद रखना, अगर सबसे ज़्यादा कोण जो है, सबसे इन तीनों कोणों में सबसे ज़्यादा कोण का मान अगर ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। अगर कर्ण है, ये कर्ण है मान लो, तो कर्ण के सामने वाला कोण भी क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ये जो भुजा है थीटा, अगर आपने इसको माना, तो लंब क्या हुआ? ये होगा लंब। ठीक है, और आधार क्या होगा? बाकी तीसरी भुजा क्या कहलाती है? आधार। आप लंब को पी से दर्शा सकते हैं, और आधार को किससे? आप बी से दर्शा सकते हैं बेस, ये परपेंडिकुलर। और कर्ण को किससे दर्शा सकते हैं? एच से। आप चाहो तो इसको एल से भी दर्शा सकते हैं, इसको आधार को ए से भी दर्शा सकते हैं, और कर्ण को कैसे? तो आपने एक सूत्र भी सुना होगा, लाल बट्टा कक्का। क्या है ये? लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का जो है लंब बट्टा कर्ण होता है, ये आधार बट्टा कर्ण होता है, और ये लंब बट्टा आधार होता है। तो आप सबसे पहले अब ध्यान से देखिए, इसमें लंब बट्टा कर्ण जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा। आधार बट्टा जो कर्ण रहता है वो क्या रहता है? कोस थीटा। और लंब बट्टा आधार जो रहता है वो टैन थीटा। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।